देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पुलवामा के हमले को लेकर भारत में जो हमारे वीर जवानों की शहादत हुई है, उसी जवाबी कार्रवाई को लेकर लोगों ने जमकर खुशियां मनाई और देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। और मिठाइयां भी बांटी। बीते 14 फरवरी को जो हमारी भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, जिसकी वजह से हमें अपने वीर जवानों को गंवाना पड़ा, उसी का बदला हमारे भारतीय वायुसेना ने लिया और पाकिस्तान में जाकर 300 के ऊपर आतंकियों को मार गिराया, जिससे पूरे भारत देश में खुशी का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में लोगों ने जमकर देशभक्ति गीतों पर डांस किया। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। में मुख्य रूप से मोहम्मद अंसार, रजनीश पाठक, जितेंद्र पटेल, ब्रजेश पटेल, दयाशंकर चौरसिया आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम बाबू समद है जी। आज आप लोगों ने मिठाई बांटा और क्या कहता है, जो लोग शहीद हुए थे उनके मतलब आज खुशियों में जो पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं उसके विषय में आप लोगों ने आज मिठाई बांटा, और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? हमने भारत को ये कहने का कहा कि ऐसा है कि अधर्म महसूस के ऊपर कार्रवाई की जाए, मगर वो कार्रवाई ना करते हुए हमारे देशवासियों पर कत्लेआम और आतंकवादियों का छाया बनाए हुए हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हम लोगों ने बदला लेने की ठान ली गई है। और हमने अपने वायुसेना को बधाई देता हूँ कि वो पाकिस्तान क्षेत्र में घुस के सीमा पार करने के बाद 450 आतंकवादियों को मार गिराया है, इससे हम लोग को देश को बहुत खुशी हुई है और जो बधाई के पात्र है वायुसेना। भाजपा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार हमारे मोदी जी की कोशिश कामयाब हुई, उन्होंने कहा था कि हम बदला लेके रहेंगे और पूरा भरोसा है देश पर, पूरा देश का भरोसा मोदी जी पर है और वो कामयाबी हमको मिलती चली जा रही है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। मेरा परिचय मोहम्मद अंसार जी, रहता हूँ पहाड़िया पर। आज आप लोगों ने मिठाई किस लिए बांटा? मिठाई हम लोगों ने इसलिए बांटा है, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व की बात है, खुलेआम जो फौजियों को छूट दे दिए, सारे आतंकवादी को मार गिराने का आर्डर दे दिए, आज 350 से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान में मारे गए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ मिठाई का जो आयोजन किया गया है, मिठाई वितरण हो रहा है, इसके वजह से जाहिर कर रहे हैं हो रही है कि कम से कम जो शहीद हमारे देश के जवान हुए उनके बहन बेटी और परिवार कम से कम सुकून की चैन तो उनको भी मिली है। जो जवान शहीद हुए उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके विषय में मेरा ख्याल है कि हम लोग भी उनके साथ हैं और उनसे बराबरी का हिस्सा करके लड़ाई करके अपने देश को हम बचाएंगे। क्या यह जंग अभी चलता रहेगा या अभी रुक जाएगा? यह जंग अभी चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होगा। आतंकवाद का भी खात्मा करना बहुत जरूरी था, आज वो समय आ गया है, उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ देंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं। इसके लिए भारतीय सेना को क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय सेना हमारी अलर्ट है, मैं भारतीय सेना के साथ हूँ और भारतीय सेना हमारे साथ, भारतीय सेना बॉर्डर पे सोती है, जागती है, तो मैं यहाँ सोता हूँ, मुझे गर्व है मेरे भारत की सेना जो है हम लोगों को चैन की नींद सोने के लिए अपनी नींद को खराब करती है, इससे बढ़िया क्या योगदान है, हम उनके साथ।